प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुतात से आशीष और बरकत दे। हम सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन में से कुछ सीख पाएँ, कुछ जान पाएँ। और जिस तरह वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वो लिखा है वचन ही देहधारी हुआ। हमारे प्रभु परमेश्वर ने आद में सारी सृष्टि की रचना की, जिस तरह उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं उसके पहली ही किताब उत्पत्ति में और पहली आयत में कि आद में परमेश्वर ने ज़मीन और आसमान की रचना की। और फिर हम आगे पढ़ते हैं किस तरह परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने पेड़ बनाए, पौधे बनाए, हर तरह के जानवर बनाए और परमेश्वर ने आकाश की ज्योतियाँ बनाई। और देखिए फिर हम पढ़ते हैं कि 26 में कि प्रभु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को साथ लिया और कहा कि आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने सारी धरती, सारी कायनात बनाने के बाद, जमीन आसमान पेड़ पौधे बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्यों को हम अपने स्वरूप में बनाए। और फिर हम आगे पढ़ते हैं किस तरह प्रभु परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी ली और उस मिट्टी को परमेश्वर ने आकार दिया और उस पुतले में परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास डाला और वो पुतला जीवित प्राणी बन गया जो आदम कहलाया। जमीन के ऊपर पहला मनुष्य, परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ मनुष्य, परमेश्वर ने खुद उसे रचा, परमेश्वर उसका रचयिता, परमेश्वर उसका पिता। और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं मनुष्य के लिए एक सहायक बनाऊंगा। और देखिए किस तरह परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी पसली निकाल के उसमें से हवा निकाल दी, तो परमेश्वर ने उसका नाम हवा रखा। तो इस तरह परमेश्वर ने ज़मीन के ऊपर पहले नर नारी आदम और हवा बना दिए। सभी हम जितने भी मनुष्य हैं ज़मीन के ऊपर, हम सभी उस आदम और हवा से निकले हैं। परमेश्वर ने आदम हवा को अपने बेटे और बेटी के रूप में उत्पन्न किया, उनका एक ही परमेश्वर था। और आगे जानते हम जिस तरह मनुष्य आगे बढ़े और ज़मीन के ऊपर पाप बढ़ता गया। और परमेश्वर ने नूह के समय में जब देखा कि हर एक मनुष्य अपने अपनी ही दिशा में चल रहा था, तो परमेश्वर ने इस ज़मीन को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। परमेश्वर ने कहा मैं इस ज़मीन के ऊपर मनुष्य को और हर एक जानवर को ख़त्म कर दूंगा। और परमेश्वर ने ज़मीन के ऊपर नूह समेत उसका परिवार 8 जन सिर्फ धर्मी पाए। और किस तरह परमेश्वर ने नूह के द्वारा किस्ती बनवाई और 8 लोग ही उस किस्ती के अंदर गए और 8 लोग ही उस समय बच पाए। फिर नूह के द्वारा परमेश्वर ने द्वारा इस सृष्टि पर मनुष्य की और पैदावार आगे बढ़े मनुष्य। और 12 आयत में हम 12 चैप्टर में पढ़ते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है कि उसको कहता है कि तू अपने पूर्वजों को, अपने घर को छोड़ और जिस जगह मैं तुझे भेजूँगा तू उस जगह जाएगा और मैं तुझे आशीष दूँगा, तेरी संतान को आशीष दूँगा और पृथ्वी के ऊपर जो तुम्हें आशीष दे मैं बदले में तुम्हें आशीष दूँगा और जो तुम्हें शराब दे मैं बदले में शराब दूँगा। परमेश्वर अपने वादों को करने वाला और वादों को निभाने वाला परमेश्वर है। और देखिए किस तरह परमेश्वर ने अपने वादों को याद रखा और निभाया। अब्राहम की संतान को उसने कभी भी नहीं छोड़ा। और जब अब्राहम की संतान गुलामी में चली गई मिस्र में, तो वहाँ पे परमेश्वर ने अपने वादे को याद किया और 400 साल बाद उनको मूसा के द्वारा वापस बाहर निकाल लाया। और देखिए रास्ते में परमेश्वर ने रात को बिजली का खंभा बन के
उनकी अगुवाई की, और दिन को जब धूप पड़ती थी तो बादल बन के उनके ऊपर अगुवाई की। परमेश्वर ने दिन रात अपनी कौम की अगुवाई की, क्योंकि वो अपने वादों को करने वाला और उनको निभाने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर किसी के साथ वादा करता है तो उसको पूरी तरह निभाता भी है। जिस तरह यशाया नबी की किताब में ये लिखा हुआ है, जब हम यशाया नबी की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन को जो उसके मुख से निकलता है, तो परमेश्वर ने यहाँ बयान किया है यशाया 55 में, जब हम पढ़ते हैं 55 और उसकी 10 आयत में पढ़ते हैं, 55 की 10 में परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार बारिश होती है जब आसमान से गिरती है तो वापस नहीं जाती, और जिस तरह बर्फ स्नोफॉल जा आसमान से गिरती है वापस नहीं लौटती, 11 आयत में परमेश्वर कहता है उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलेगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर वापस ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल होगा। परमेश्वर ने यहाँ वादा किया कि जो वचन मेरे मुख से निकलेगा वो कभी भी वापस खाली नहीं लौटेगा, फेल कभी नहीं होगा, वो अपने कार्यों को पूरा करके आएगा। इसी नबी को परमेश्वर ने 7 चैप्टर में इसको परमेश्वर ने वचन दिया, भविष्यवाणी दी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और आगे 9 चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं, 9 अध्याय में परमेश्वर ने अपना यही प्रॉमिस वादा यशाया नबी को दोबारा भविष्यवाणी के द्वारा किया कि अंधकार का समय खत्म होगा और तुम्हें एक पुत्र बालक दिया जाएगा, अगर हम 6 आयत में पढ़ें, और प्रभुता उसके कंधे पे होगी, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। और देखिए क्या लिखा है, जो पुत्र होगा वो अनंत काल का पिता होगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। एक ये वादा हम परमेश्वर ने देखिए किया। और पुराने नियम का आखिरी किताब, पुराने नियम की आखिरी नबी की किताब जिसको हम मलाकी के नाम से जानते हैं, उसके 3 अध्याय में परमेश्वर ने एक और वादा किया हुआ है। पूरी बाइबल जो है परमेश्वर के वादों से भरी हुई है। यहाँ मलाकी 3 में वो फिर वादा करता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, कि मैं अपने दूत को अपने आगे भेजता हूँ कि वो मेरे आने से पहले मेरे मार्ग को सुधारेगा। और मलाकी 4 में हम पढ़ते हैं प्रभु कहता है कि वो भट्टे का धधकते भट्टे का दिन आता है जब दुष्ट जो हैं भस्म हो जाएंगे, लेकिन धर्मी लोग पाले हुए बछड़ों के समान खुशी मनाएंगे। और प्रभु ने इसके साथ मलाकी 4:5 में जो वादा किया, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को अपने पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ये परमेश्वर ने वादे वादे कर दिए। और परमेश्वर ने अपना मलाकी 3 का जो वादा था, तो वो जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपना फरिश्ता जिब्राई जकरिया याजक के पास भेजा, और उस फरिश्ते ने कहा कि परमेश्वर तू तेरी पत्नी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और जो परमेश्वर का वादा था कि मैं अपने दूत को अपने आगे भेजता हूँ, वो परमेश्वर ने समय आने पर पूरा किया। और हम जानते हैं पवित्र बाइबल से कि एलिया की सेवकाई जो है वो 5 बार है। पहली बार एलिया खुद था, उसके बाद एलिया का मसा अलीशा पे था, और तीसरी बार हम देखते हैं एलिया का मसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर था, चौथी बार एलिया का मसा जो अमेरिका में एक सेवक हुआ, आखिरी युग का नबी हुआ भाई ब्रानम, उसके ऊपर चौथी बार था, और पांचवी बार
अब जो एलिया इज़राइल में आएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया कि जब लोगों ने पूछा कि एलिया का पहले आना ज़रूरी आवश्यक है, लिखा है, प्रभु ने कहा हाँ उसका आना आवश्यक है, वो आया और जैसा तुम लोगों ने उसके साथ सलूक करना था तुम लोगों ने किया। तो प्रभु ने उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दृष्टांत दिया कि वो उसके ऊपर एलिया का ही मसा था, लेकिन तुम लोगों ने उसे नहीं पहचाना। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़े दुख की बात थी कि जिस मसाए का वो हजारों सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जब वो मसाया उनके पास आया तो उन्होंने उसको नहीं पहचाना। लेकिन परमेश्वर ने मलाकी चार में देखिए यहाँ समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर ने यहाँ दो दिन लिए हैं, एक भयानक दिन आने से पहले, बड़े और भयानक दिन आने से पहले, कि दो दिन जो हैं उनके आने से पहले, बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं एलिया को भेजूंगा। जब प्रभु परमेश्वर शब्द ही परमेश्वर था और शब्द ही देहधारी हुआ, तो वो इस ज़मीन के ऊपर भयानक दिन नहीं, बड़ा दिन था कि परमेश्वर देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ, अंधों को आंखें मिलने लगी, लंगड़े चलने लगे, मुर्दा जींदे होने लगे। इस ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ा दिन था और मलाकी थीम पूरा हो चुका था कि यूहन्ना एलिया का मसा पाया हुआ मसीह के आगे चला। और छः आयत का पहला हिस्सा पूरा हो गया कि वह माता पिता के मन को उनके पितरों की ओर मोड़ेगा, यानी यूहन्ना ने पुराने नियम के नबियों के मन जो थे नए नियम की कलीसिया की ओर मोड़े। और जब हम मत्ती 24 पढ़ते हैं तो 24 मत्ती 24 मरकस 13 और लूका 21 में, तो यहाँ पे प्रभु से तीन सवाल किए हैं, प्रभु के चेलों ने तीन सवाल किए हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह को बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा रहे थे ऊंची ऊंची। तो प्रभु ने मत्ती 24 में कि दो में उनको कहा कि तुम ये सब देख रहे हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि पत्थर के ऊपर पत्थर ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। तो चेले प्रभु को बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखा रहे थे, तो प्रभु ने उनको कहा कि ऐसा समय आएगा, यानी हमारी भाषा में कह लीजिए कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट इस ज़मीन के ऊपर नहीं रहेगी, ढा दी जाएगी। चेलों ने एकांत में आके प्रभु से तीन सवाल किए, ये सुनने के बाद प्रभु के चेलों ने प्रभु से तीन सवाल किए। पहला सवाल है कि प्रभु ये बातें कब होंगी जो तूने हमें कुछ देर पहले बोला, तो प्रभु ये बातें कब होगी। दूसरा सवाल, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तीसरा, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। चेलों ने तीन सवाल पूछे हैं, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रभु ने पूछा, प्रभु के चेलों ने पूछा तेरे आने का, जगत के अंत का और ये बातें कब होगी, तीन सवाल पूछे, प्रभु ने तीनों का सवाल का उत्तर दिया। प्रभु ने उत्तर दिया कि सावधान रहना कि तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि चिन्हों, बहुत सारे चिन्हों में एक चिन्ह ये भी होगा कि अंत समय में, दुनिया के अंत समय में मेरे आने से पहले इस जगत में बहुत सारे भरमाने वाले निकल आएंगे। तो हम जानते हैं कि हम उस समय में पहुंच चुके हुए हैं कि इस जगत में बहुत सारे भरमाने वाले हैं। प्रभु ने कहा तुम लड़ाइयाँ लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, कौम के कौम के ऊपर कौम चढ़ेगी, जाति के ऊपर जाति चढ़ेगी, ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हम पूरी होती अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा कि ये चिन्ह होंगे और इन चिन्हों के बीच में प्रभु ने 14 आयत में एक चिन्ह और दे दिया कि जब राज्य का ये सुसमाचार, प्रभु परमेश्वर का सच्चा वचन, प्योर वर्ड, खालिस वचन, बिना मिलावट का सच्चा वचन दुनिया के सारे कौमों के पास जब पहुंच जाएगा तब अंत आ जाएगा। 14 आयत में हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 24 की 14 में कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। जिस समय में हम रह रहे हैं आज,
आज इस दुनिया का कोई ऐसा कोना, ऐसा देश नहीं है जहां पे प्रभु का नाम, प्रभु का सुसमाचार ना पहुंचा हो। प्रभु ने आज से 2000 साल पहले जो भविष्यवाणियां की, वो हमारे समय में पूरी हो रही हैं। प्रभु के देह में लेने से पहले, शरीर में आने से पहले भी जो भविष्यवाणियां हुई थी, वो हमने अपनी आँखों से, कानों से पूरी होती देखी और सुनी है। अब प्रभु ने ये भविष्यवाणी की हुई है मेरे आने के जे जे चिन्ह होंगे, और प्रभु ने ये सारी बातें बताकर कि जगत के अंत के ये बातें कब होगी, मेरे आने के चिन्ह क्या होंगे, प्रभु ने चिन्ह बताने के बाद उनको बोला कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और प्रभु ने एक और अपने विश्वासियों को चिन्ह दे दिया जिससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। वो प्रभु ने कहा अंजीर के पेड़ को और सब पेड़ों को देखना। और हम जानते हैं प्रभु ने इज़राइल देश को अंजीर का पेड़ बोला है। पूरी बाइबल में हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर इज़राइल को अंजीर का पेड़ बोलते हैं। प्रभु कहते हैं इज़राइल को देखना, अंजीर के पेड़ को देखना, वो तुम्हें बताएगा जब उसकी डाली कोमल हो जाती है। और हम जानते हैं कि प्रभु जब श्री लेके इस ज़मीन के ऊपर आया, वो इज़राइल देश यरूशलम में रहा, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसे सलीब पर चढ़ा दिया। तो प्रभु यरूशलम को देख के कहता है यरूशलम तेरे ऊपर हाय, तेरे ऊपर हाय, मैंने कितना बार चाहा, कितने नबियों को भेजा कि तू मन फरा लेता, लेकिन तूने उस अफसर को नहीं पहचाना। अब दुश्मन तेरे खिलाफ मोर्चा बांधेंगे, विरोधी तेरे खिलाफ मोर्चा बांधेंगे। और प्रभु ने हमें बता दिया इज़राइल देश का। और जब प्रभु यीशु को, यीशु पकड़ाया गया, तो पिलातुस राजा ने कहा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसके बदले में इस चोर डाकू को सलीब पे चढ़ा देता हूँ। लेकिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तुझे अगर इसको सलीब चढ़ाने पर डर लगता है तो इसका खून हमारे ऊपर और हमारी संतान पर हो। और जब प्रभु यीशु मजबूरन पिलातुस को उसको सलीब पे चढ़ाने का हुक्म देना पड़ा, और जब प्रभु सलीब उठाकर गलियों से गुजर रहा था तो उस शहर की औरतें रो रही थी। प्रभु ने उनको कहा कि अब मेरे लिए मत रो, अपने संतान के लिए रोना, क्योंकि जो तुमने मांगा कि मेरा खून हम पर और हमारी संतानों पर हो, अब मेरे लिए ना रोना। और प्रभु, हम जानते हैं 70 में जनरल टाइटस जब इज़राइल पर चढ़ के आया, और जो बच्चे प्रभु की सलीब के चढ़ने वक्त छोटे थे, 70 में बड़े हो चुके थे, और प्रभु का जो लोगों ने मांगा था वो पूरा हुआ, और इज़राइल पूरी तरह जनरल टाइटस के द्वारा यहूदी को हम बड़े बुरे तरीके से मारी गई। और प्रभु में हम पढ़ते हैं कलाम में, प्रभु को भूख लगी, वो अंजीर के पेड़ के पास गया, लेकिन उसको उस पर फल नहीं पाया, तो प्रभु ने कहा आज से तुझे फल ना लगे। प्रभु फिर दृष्टांत देता है लूका में कि मैं 3 वर्ष तेरे से फल लेने आया और तूने नहीं दिया। प्रभु ने 30 साल की उम्र में सुसमाचार सुनाना शुरू किया। तकरीबन 3 साल उसने यरूशलम इज़राइल को सच्चा सुसमाचार सुनाया, पर उन्होंने कबूल ना किया। लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है योना की, जब हम अंजील पढ़ते हैं कि वो जगत में था और जगत उसके द्वारा ही बनाया गया और जगत ने उसे नहीं पहचाना, पर जितनों ने उसे पहचाना परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। और अब वो ना हड से, ना लहू से, ना मां से पैदा हुए हैं, वो सब जो ऐसा विश्वास करने वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह से पैदा, परमेश्वर से पैदा हुए हैं, मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं। और देखिए योहन्ना की अंजील में हम 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पा जाएगा। लेकिन अजीज़ प्यारे भाई और बहनों, हम
हम जब जिस समय में रह रहे हैं, जो 2000 साल पहले 3 सवाल किए गए और जो प्रभु ने तीनों सवालों का उत्तर दिया कि ये बातें कब होगी, जगत के अंत के चिन्ह क्या होंगे, तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे, प्रभु ने जो चिन्ह बताए थे वो हमारे समय में बड़ी जल्दी तेजी से पूरे हो रहे हैं। प्रभु ने कहा था इंजीर इसराइल को देखना, जब उसकी कोपलें उसके पत्ते निकलने लग जाते हैं, और देखिए प्रभु की वो भविष्यवाणी 1948 में पूरी हो गई, जब इसराइल देश ने अपना झंडा खड़ा किया, इसराइल कौम रिस्टोर हो गई, यहूदियों ने अपने देश में वापस आ गए, प्रभु का वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो ये घंटी बज चुकी थी प्रभु की आने की 1948 से तेजी से, और अब हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं, दुख तकलीफें जमीन के ऊपर बढ़ रही हैं। प्रभु ने 2000 साल पहले ही ये भविष्यवाणियाँ कर दी थी और हम प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में रह रहे हैं। और प्रभु के वचन से मैं एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 में प्रभु का वचन ये कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इसके विषय में सोते और अज्ञानी रहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आस नहीं है। परमेश्वर कहता है जिनके पास मेरा पवित्र वचन है उन्हें दूसरों अन्य जातियों की तरह अफसोस शोक करने की ज़रूरत नहीं है, कि जिनके पास मेरा वचन नहीं है, मेरा वादा नहीं है, जब मेरे पीछे चलती नहीं है। अगर तुम मेरे पे विश्वास रखते हो तो प्रभु कहता है कि तुम दूसरों के समान शोक ना करो, क्योंकि तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर शरीर लेके आया और हमारी खातर स्लीप पे चढ़ा और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और जो ऐसा विश्वास रखते हैं, अगर वो सो गए हैं, जमीन छोड़ गए हैं, तो प्रभु कहता है कि प्रभु उन्हें जिंदा कर लेगा। और जो प्रभु के आने के दिनों में जिंदा हुए उसके विश्वासी, प्रभु उनको सोने यानी मरने नहीं देगा और प्रभु उनको जमीन से उठा लेगा। लिखा है कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जिंदा उठेंगे, और जो जिंदा है वो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है। बड़ी जल्दी ही अब हम ये ज़मीन छोड़ने वाले हैं, और प्रभु ने योना की अंजील 14 में ये वादा दिया है। प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में रहने को बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ प्रभु ने बोला है कि तुम्हारा मन डरे ना, घबराए ना, व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने योना 14 में वादा किया, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तो चेले ने कहा, थोमा ने कहा कि प्रभु हम कैसे जाने कि तू कहाँ जा रहा है, मार्ग क्या है? तो प्रभु ने 6 आयत में उत्तर दिया है कि मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, और जीवन भी मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूँ, मैं तुम्हें जीवन दिखाता हूँ। प्रभु यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आगे देखिए एक फिलिप्पुस चेले का सवाल, कहते हैं हम परमेश्वर देखना चाहते हैं, गुरु हमने परमेश्वर पिता दिखा, गुरु हम देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु कहता हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर पिता को भी देखा है, क्योंकि मैं और मेरा परमेश्वर पिता दोनों एक है। तो अजीज़ भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि मैं वापस आऊँगा और मेरे आने के ये चिन्ह होंगे, वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं। बाइबल जो है वादों से भरी हुई है, प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। और यही नहीं, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22:7 में प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ,
धन्य है जो इस बाइबल की भविष्यवाणी को मानता है। 22:7-22:12 प्रभु फिर ये बात दोहराते हैं, मैं जल्दी ही वापिस आ रहा हूँ, हर एक इंसान के कामों का फल मेरे पास है, हर एक इंसान के कर्मों का फल मेरे पास है। प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए, क्योंकि ये ज़मीन अब रहने के लायक नहीं है। चारों तरफ हम देख रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर पाप बढ़ रहा है, शांति कहीं भी नहीं रही, दुख तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, रिश्ते ख़त्म हो गए हुए हैं। लेकिन एक जगह है जहां पे हमें शांति मिलती है, शिफा मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगाई दी है। बाइबल कहती है उसके मार कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, और यूकोबी पत्री में भी लिखा है कि अगर तुम में से कोई बीमार है वो प्रार्थना करे, और बाइबल में लिखा है विश्वासी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी बीमार है जो चंगा हो जाएगा। और शांति, बाइबल कहती है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, परमेश्वर है शांति का। और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, वो वाली शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए। प्रभु यीशु में शांति दे के गया है, उसने वादा किया है कि ना तुम खाने की चिंता करना, ना पहनने की चिंता करना, ना रहने की चिंता करना। प्रभु कहता है जब मैं फूलों को, जानवरों को भी रोटी देता हूँ तो तुम तो उससे ज़्यादा अधिक मूल्य रखती हो। पर प्रभु ने कहा पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की यानी मेरी खोज कर लो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तुम्हें इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें तुम्हारे पीछे भागेंगी। परंतु पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को दे, पहला स्थान परमेश्वर को दे अपनी ज़िंदगियों में, बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर आपके पीछे लगा देगा। और प्रभु इस छोटे से आज के संदेश के द्वारा आपको आशीर्वाद कर दे। प्रभु का आना नज़दीक है और हम उसके आमद के दिनों में रह रहे हैं। प्रभु ने कहा जब ये दिन तुम अपनी आँखों से और कानों से देखो, पूरा होते हो और सुनो, तो अपनी कमरे तुम्हारी बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, और हर समय निरंतर प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, ताकि तुम पर ये समय जो मुश्किलों वाला है ये तुम पर ना पड़े। तुम लोग निरंतर प्रार्थना में रहो। और हम जानते हैं प्रभु अपनी दुल्हन को ज़्यादा मुश्किल मुसीबतों में नहीं जाने देगा, उससे पहले प्रभु यीशु अपने लोगों को ज़मीन से उठा लेगा, और हम जानते हैं उसके बाद क्या होना है। बाइबल आगे भी बताती है कि किस तरह वर्ल्ड वार, तीसरी आर्मगेडन की लड़ाई होनी है, ये सारी दुनिया एक बार युद्ध में जानी है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा लेगा उससे पहले। और लिखा है कि प्रभु के साथ हम स्वर्ग में प्रभु के उस भोज में शामिल होंगे। हमें तैयारी की ज़रूरत है, हमें सीरियस होना पड़ेगा, अब समय सीरियस होने का है। प्रभु यीशु मसीह की आमद है, कहीं भी लोगों के पास शांति नहीं है, बीमारियां चारों तरफ से है, सिर्फ एक जगह है जहां पर हम बच सकते हैं बीमारियों से, दुखों तकलीफ़ों से, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो परमेश्वर है, उद्धारकर्ता है। पत्रस में और पूरी बाइबल में पढ़ते हैं रिश्तों के काम में, स्वर्ग के नीचे और ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया जिसके नाम के द्वारा मुक्ति है। प्रभु आपको इन शब्दों के द्वारा आशीष बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबको सलाम और आमीन कहता हूँ।